बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा क्या भतीजा क्या है चाचा, आगे तुम तो पीछे कल हम आगे पीछे तुम। चुकी है कि आज के समय में साउथ इंडियन फिल्मों को देखना जितना ऑडियंस पसंद कर रही है तो उतना ही ऑडियंस हेट कर रही है बॉलीवुड को, क्योंकि दोस्तों इस हफ्ते रिलीज होने वाली दोनों ही फिल्में यानी कि हीरोपंती 2 और रनवे 34 को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जो अपने पहले दिन ओपनिंग मिली है उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी कमाई KGF चैप्टर 2 ने अपने 16वें दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर की है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले KGF चैप्टर 2 के 17 दिनों के इंडियन और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जानने वाले हैं दोस्तों कि आज इस फिल्म का कलेक्शन क्या इन बॉलीवुड की नई नई फिल्मों से ज्यादा आ रहा है या नहीं, और क्या इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और नया रिकॉर्ड बनाया या नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश, सुपरस्टार संजय दत्त और श्रीनिधि के डायरेक्ट फैंस बन चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म KGF चैप्टर 2 जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 14 अप्रैल को रिलीज किया, फिल्म के विजुअल और इस फिल्म की स्टोरी तीनों ही चीजें ऑडियंस को काफी पसंद आई। साथ ही साथ दोस्तों यश, संजू बाबा, श्रीनिधि शेट्टी और रवीना टंडन के पावरफुल रोल्स को देखने के बाद ऑडियंस ने इसे इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बना दिया। अपने पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने जितने करोड़ की ओपनिंग ली थी उतनी कमाई दोस्तों इस हफ्ते रिलीज होने वाली दोनों ही फिल्में मिलकर भी इस हफ्ते नहीं करने वाली। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि हिंदी में जहां KGF चैप्टर 2 ने अपने पहले दिन 68 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग ली थी जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल कलेक्शन था, उतनी कमाई दोस्तों यहां पर हिंदी में इस हफ्ते रिलीज होने वाली दोनों ही फिल्मों का नहीं होने वाला। और अगर बात की जाए इस फिल्म की अभी तक के टोटल की तो दोस्तों अपने पहले हफ्ते में हिंदी में KGF चैप्टर 2 ने 270 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था। अपने दूसरे हफ्ते दोस्तों यह फिल्म 350 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली इंडियन सिनेमा की तीसरी फिल्म बनी थी। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो अपने शुरुआती दो हफ्तों तक 997 करोड़ रुपए का हो चुका था और यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बन चुकी थी। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने हिंदी में RRR और बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। साथ ही साथ दोस्तों बॉलीवुड की तो सभी फिल्मों को यह फिल्म अपने पहले ही हफ्ते में धूल चटा चुकी थी। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के अभी तक के टोटल की, दोस्तों बता दें चले आपको कि अपने शुरुआती दो हफ्तों में इस फिल्म का जो कलेक्शन 997 करोड़ था उसमें दोस्तों सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 420 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 130 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। कर्नाटक में भी दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन से वो 140 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों तमिल बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म लगभग 85 से 88 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। ओवरसीज और मलयालम को मिलाकर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 240 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है, जिससे कि यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 997 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 15 दिनों में कर चुकी थी। अपने 16वें दिन भी दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन निकल कर आए हैं वो काफी धमाकेदार रहे और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर मिल रहे कॉम्पिटिशन के बावजूद भी इस फिल्म ने हिंदी में जहां अपने 16वें दिन 5 करोड़ रुपए की कमाई की है तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अपने 16वें दिन लगभग 13 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिससे कि इस फिल्म का ऑल ओवर इंडिया से जो हिंदी कलेक्शन है वो तो लगभग हो चुका है 254 करोड़ रुपए का, लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली इंडियन सिनेमा की चौथी बड़ी फिल्म बन चुकी है और RRR के रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाली है। दोस्तों बता दे चला आपको कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 17वां दिन है और आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली दोनों ही बॉलीवुड फिल्मों से कहीं ज्यादा अच्छी है। आज यह फिल्म दोस्तों हिंदी में अभी तक एडवांस ले चुकी है 3 करोड़ 10 लाख रुपए की। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो एडवांस कलेक्शन है वो आज 6.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाड़ा, मलयालम हर भाषा में आज इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी लगभग 25% से ज्यादा की है। आफ्टरनून और इवनिंग में दोस्तों आज भी इस फिल्म के कई सारे शो हाउसफुल है। यही वजह है दोस्तों की यह फिल्म आज अपने 17वें दिन एक बार फिर से हिंदी में जहां 7 से 8 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का कलेक्शन लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1030 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका होगा और यह फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द टॉप ग्रोसर फिल्म बन चुकी होगी। हिंदी में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो 360 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा और यह फिल्म हिंदी में जल्द ही दंगल के रिकॉर्ड्स को तोड़कर इंडियन सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी होगी। तो दोस्तों इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से KGF चैप्टर 2, RRR और बाहुबली ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई की है उस तरह से दोस्तों ना ही बच्चन पांडे, ना ही रनवे, ना ही हीरोपंती कमाई कर पाई है और सलमान खान की फिल्म अंतिम के तो इससे भी बुरे हाल थे। यानी कि दोस्तों आज के समय में बॉलीवुड को ऑडियंस देखना पसंद नहीं कर रही है चाहे आप कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो। आपको क्या लगता है दोस्तों इस साल KGF चैप्टर 2 के रिकॉर्ड्स कोई बॉलीवुड फिल्म तोड़ पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और क्या लगता है दोस्तों क्या इंडियन बॉक्स ऑफिस पर KGF चैप्टर 2 का जो हिंदी कलेक्शन है वो 450 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगा या नहीं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।